242 एनसी मॉडल महीना 99 टायर दोबारा के आईसर 242 एनसी मॉडल। दोस्तों जो आज की वीडियो शूट हो रही है वो है गांव रमाड़ा जिला बागपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई पुष्पिंदर यहाँ की। पहले देखो ट्रैक्टर की कंडीशन, तो कंडीशन ऐसी है न जाने कैसी है। तो भाई पुष्पिंदर जरा आओ सामने और इसके बारे में फुल डिटेल बताओ, मॉडल नंबर पैसे क्या हिसाब है। भाई पुष्पिंदर क्या हाल है? बढ़िया जी, आप फर्स्ट क्लास। बढ़िया। तो पहले तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स, भाई पुष्पिंदर ने जो है कल बाइक ली है होंडा वालों की। कौन सी वा? स्पोर्ट होंडा एसपी। अच्छा होंडा एसपी। हाँ। कितने की पड़ गई थी वा? वाह 1,12,000। 1,12,000 रुपए की। अच्छा मैं कर रहा था सजेशन मंगा भाई अब पुष्पिंदर लेगा बुलेट, लेकिन जो है बुलेट जो है अब वो उस रूप में नहीं आ रही जो मतलब पहले आती थी। स्टैंडर्ड मॉडल नहीं आ रहे मतलब ऐसे ही। हाँ तो मैं कभी चलो अपना सही है जो भी ले लिया ठीक वाहन है कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स। तो इसके बारे में बताओ कौन सा मॉडल है ये? 1999 मॉडल है। 1999 मॉडल। हाँ हरियाणा नंबर। हरियाणा का नंबर है। एनसी 242। अच्छा इस पर कहीं टचिंग वगैरह? टचिंग कोई नहीं, फुली ओरिजिनल है जो भी है ओरिजिनल। अच्छा तो इसमें एक खास बात बता रहे थे आप, टायर वायर पता नहीं कौन से बता रहे, अगले पिछले टायर सात के पिछले। अच्छा पिछले वाले तो हैं सात के। हाँ गोल हो रहे। हाँ वो तो रहे गोल ही भाई। मार्का वगैरह? मार्का ये रहा सितंबर 99। और भाई रिम की कंडीशन ही है देखो आप, जो चीज मिलेगी एक्यूरेट जो बताई जाएगी वही मिलेगी, जेन्युइन चीज मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं कि भाई वीडियो में कुछ बता दिया और वैसा कुछ मिलेगा। अगले टायर दोबारा के हैं, क्या परसेंट होंगे? 50% के लगभग। और भाई अगले रिम की कंडीशन ही है। अच्छा इसमें क्या है आपको इसमें भाई पंप तो इसमें चेंज है भाई पुष्पिंदर है ना? हाँ हाइड्रोलिक पंप चेंज है केवल, और बेल्ट वाली हाइड्रोलिक आती थी इनमें पहले, अब तो खैर कपलिंग कर दी कंपनी ने, लेकिन 99 मॉडल है ये। हाई लो का इसमें सिस्टम है ये देखो आप, साइड में टूल बॉक्स है और स्टीयरिंग बिल्कुल फिट, और ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म देखो आप, कहीं पे कोई वेल्ड नहीं जंग नहीं कुछ भी किसी प्रकार का, और दो नंबर गार्डों पे बाकायदा सीट है बढ़िया बेहतरीन खींची हुई है। हाँ अब आगे पैंट की बात, तो पैंट साथ कई ट्रैक्टर के हैं ये देखो आप। भाई वीडियो में कुछ रहेगा हिसाब किताब अपना आके देखभाल करके, बहुत से किसान क्या करेंगे उनके अगर नहीं भाई तो दोबारा का तिबारा का मरगाड़ों का कम है कुछ। हाँ आगे हो गया आयसर का लोगो, और भाई ट्रैक्टर पे वेट लगा लगा है कंपनी फ्रीड हरियाणा का है नंबर और, अच्छा करनाल का। हाँ अच्छा मरगाड़ में भी यहाँ से फिक्का हुआ आयो। हाँ। और अंदर की कंडीशन ही है देखो आप, जंग नहीं है ट्रैक्टर में ना कोई गड़ावट है सबसे जो खास बात है। और भाई ये ट्रैक्टर की ट्यूब है एडजस्टमेंट करने के लिए अपन संकल दे दी, तीन मुका इसमें हिंच है, और प्लस में ही इसमें अपना भाई तुम्हें ये मिलेगी तसल्ली में, कुछ भी चलाओ पट्टे का काम कुछ भी खींचो अपना, पुड़ी वगैरह साथ की है, और इसमें आपको ड्रॉल मिलेगी हैवी वाली ना कहीं नहीं जाने का। HR05G8096 ये नंबर है ट्रैक्टर का। दूसरे मरगाड़ की कंडीशन ही है देखो, ये इधर से हो गया, कुल मिला के एक नंबर की चीज दिखा रहा हूं आज, बाकी तो भाई चलता रह गया क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, एक से एक चीज आवे निकल गए, लेकिन जो फिलहाल ट्रैक्टर है 242 एनसी मॉडल हो जाए स्टार्ट। हो माय सेल्फ गियर में से निकाल ले, साइलेंट मॉडल 242 एनसी।
हैड्रोलिक उठाइए, हैड्रोलिक। थाम दे भाई। अच्छा मीटर चालू है सारे ये? मीटर का पता नहीं, ये तो चालू टेम्परेचर का ये। थाम दे बस। पूरी कड़क आवाज है इसकी तो, कानों में कोई बीमार होगी। 2000 की कड़क नहीं आती, 99-98 की कड़क आवे। अच्छा हाँ। तो इसके जो क्याना मॉडल से शुरू हो रही है ना ट्रैक्टर, अच्छा, और 99 मॉडल तक 6 वोल्ट तक आवे, उनकी कड़क आवे। जो 2000-2001 से बाद में आ गई इनकी कड़क नहीं है। हाँ इनकी मतलब कुछ आवाज में डिफरेंट है। तो इसके जैसे पैसे कितने भाई पुष्पिंदर? भाई मांग 1.65 की है। अच्छा, जो आवगा कोई भाई मान सम्मान, मान सम्मान पूरा होगा। पूरा हाँ। चलो खैर मैं नंबर दूंगा पुष्पिंदर का, डायरेक्ट आके संपर्क करियो, बेझिझक बेहिचक। ठीक, अगले टायर दोबारा गए हैं 50%, पिछले ट्रैक्टर के साथ गई है, 99 मॉडल गई जब ट्रैक्टर आया था सितंबर में। तो भाई भाई छोटे मोटे किसान का तो ये पूरे काम करेंगे अब भी। हाँ हाँ, पर जो ट्रोली का जिसका बोंड होगा उसे देखो टायर गिरवाने पड़ेंगे। हाँ वो तो खैर भाई डलवाने पड़ेंगे, और बिना टायर के क्या ट्रैक्टर में। चलो खैर, गांव रमाड़ा, जिला बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोबारा बता दूं एड्रेस। और भाई ट्रैक्टर को फुल टेस्ट ड्राइव करके जब ले जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। कभी पता चला इन्होंने कहा हाँ भाई यार हम तो ऐसा हो गया, हमारी हालत ऐसा हो गया, कुछ नहीं होना। जो बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच का हो गए, सबकी गल सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।